अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उमर भट्ट और आप देख रहे हैं ग्रिपोन ट्रिप और सीरीज है ठंड प्रोग्राम की। और इतनी ठंड है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा, तेज मुंह अकड़ गया है। आज मेरा प्लान है जी पत्रियाटा चेयरलिफ्ट पे जाने का। ये बड़ा ही खूबसूरत और ज़बरदस्त यहाँ पे फैसिलिटेशन है, फैमिली पॉइंट है। और मैं इस वक्त मरी में हूँ, मरी से निकलूँगा तो ये मुजफ्फराबाद रोड के ऊपर आएगी त्रियाटा 6 किलोमीटर मजीद नीचे जाके। तो यहाँ पे चेयरलिफ्ट भी है, केबल कार भी है, यहाँ पे पब्लिक की एक्टिविटीज़ भी हैं सारी। और ठंड प्रोग्राम जो है, जो सोच के मैंने स्टार्ट किया था एक ठंड प्रोग्राम सीरीज होना चाहिए मेरे चैनल पे, ये ठंड उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो पैक अपने आप को फुल किया मैं, लेकिन ये है कि सर्दी फिर भी लग रही है और बारिश और बादल जो है वो आज मरी की जान नहीं छोड़ रहे। सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है और हम इसी तरह से फिर रहे हैं। पहले हम मरी शहर में फिरते रहे हैं और अब हम जाने लगे हैं पत्रियाटा। तो मेरे साथ रहिएगा और हाथ वगैरह सेकते रहिएगा। पूरे मरी पर इस वक्त गहरे बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ऐसे मौसम में ट्रैवल का तजर्बा बिल्कुल ही अलग महसूस होता है। विजिबिलिटी काफ़ी कम है लेकिन ख़तरनाक हद तक नहीं। बादलों में दरख्तों के करीब से गुजरने का एहसास बहुत ही खूबसूरत है। फिलहाल मैं लोकल ट्रैवल कर रहा हूं और मरी माल रोड से मैंने बोलान डब्बा बुक किया है जिसके मैं 2500 रुपये चार्जेज अदा करूंगा। पत्रियाटा जाने के लिए अगर आप इस्लामाबाद से सफ़र करें तो मुजफ्फराबाद जाने वाली सड़क एक्सप्रेसवे पर लोअर टोपा के करीब से सीधे हाथ मुड़ेंगे, जबकि ज़्यादातर लोग मरी से पत्रियाटा आते हैं जिसकी कुल मुसाफत में 1 घंटे का वक्त लगता है। पत्रियाटा हर तरह की गाड़ी जा सकती है। अगर आप प्राइवेट सफ़र कर रहे हैं तो मरी माल रोड से 2500 से 3000 रुपये में बआसानी गाड़ी मिल जाती है। एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद आपको मज़ीद 6 किलोमीटर अंदर जाना होता है। ये कोटली सत्तियाँ का इलाका है जो कि रावलपिंडी की तहसील है। ₹850 की ये टिकट है और ये क्योंकि दो तरह से है, पहले आप चेयर लिफ्ट पर बैठते हैं एंड देन फिर आपको केबल कार में बैठना होता है, तो आपने सारी टिकट्स संभाल के रखनी है। यानी कि पहले हाथों ने ले ली तो बाकी छोड़ दो, वापस नहीं आते। 5 साल तक का बच्चा फ्री है और उसके बाद फुल टिकट है। और ये हम टनल में से गुजर रहे हैं, ये TDCP के अंडर है। ये मुझे बड़ी ये अच्छी बात है, TDCP इसको कर रहा है और काफ़ी अच्छी हालत में रखा गया है इस पूरे रिजॉर्ट को। और फिलहाल टिकट लेने तक और आगे जाने तक जितना मैंने पैदल चल लिया है, ना ही टिकट लेना, आज भी पहुंच जाना थी मैं। हाय
मौसम जो है वो बारिश हो रही है हल्की हल्की मुसलसल, और यहाँ पे जो चेयर लिफ्ट है उसके ऊपर कवर भी हैं, कुछ के ऊपर नहीं भी हैं, लेकिन हम उसी पे बैठेंगे जिसके ऊपर कवर होगा ताकि हमारी वीडियो बन जाए। सर रुकती थोड़ा आगे जाके है। ओए सुभान अल्लाह। अब चेक करिए कैसे बादलों के अंदर से गैप है और सन बीम्स का पैसेज बना हुआ है। कैमरे में ये उस तरह से नहीं आपको दिखा पा रहा, लेकिन सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये। अच्छा जी, मौसम ऐसा है कि बादलों ने घेरा हुआ इस पहाड़ को, और जैसे जैसे कोई केबल कार बल्कि चेयर लिफ्ट थोड़ा आगे जाती है तो वो गायब हो जाती है, लेकिन द गुड थिंग इज़ कि ये बड़ी अच्छी है, सेफ भी है और कंफर्टेबल भी है। आपको क्या? आप चेक करो ग्रीन कलर। अच्छा, जब आप यहाँ से क्रॉस करते हैं तो दो तीन दफ़ा नीचे से सड़क भी गुजरती है, तो गाड़ियाँ भी गुजरती हैं नीचे से, और मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया ये काफ़ी कंफर्टेबल और सिक्योर है। पहला पैच आपका आता है चेयर लिफ्ट का, जिसमें दो लोग बैठते हैं, आगे चल के आएगी केबल कार पे 8 बंदे बैठते हैं और वो बहुत ऊँचा चलती है, और यहाँ पर इतनी खामोशी है, और जंगल के अंदर से आप गुज़र के जा रहे हैं, और बहुत ही चिल माहौल है यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि मरी से सर्दी कुछ कम हो जाएंगे उठते। अच्छा, ये बैग पकड़ा हुआ तूने? बादलों का यहाँ पे ऐसा घेरा आया हुआ है, जैसे ही केबल कार निकली है यहाँ से और गायब हो गई है, पता नहीं अगर जाके सज्जे खबे तो नहीं हो गई, उम्मीद है कि सीधी जाएगी, लेकिन ये आप देखें मेरे पीछे आपको जो केबल नज़र आ रही है वो हार्डली 10-15 मीटर तक नज़र आ रही है, उसके बाद जाके आप गायब हो जाते हैं बादलों में। अरे क्या, अकेला नहीं आना चाहिए? ये देखिए, मेरा कैमरा मैन हर जगह पे शदीद कुंवारा किस्म का आदमी है, ये देखिए कह रहा है कि यहाँ पे आपको अकेले नहीं आना चाहिए। यार मैं तेना लाया देगा वहाँ। चलो जी बैठे। यार जितनी ये देर से आई है ना इनको मैंने फोन करके कह देना यार रस्से चला रोकना ताकि देर बने, कोई सवारी थोड़ी ना पड़ा। लेकिन माशाल्लाह बड़ी ही वेल मेंटेन्ड और साफ सुथरी है, गवर्नमेंट की है ना कि बेहतरीन है, मैं भी ठेका सरकारी हो ये भी हो प्राइवेट हो, ये बड़ी ही ऊंची चलती है। अब तो खैर बादल इतने हैं हमें लगना जैसे हम बहुत ऊपर हैं, लेकिन अगर लाइट हो ना तो आप फील करते हैं कि ये जस्ट लाइक अ हेलीकॉप्टर, बहुत ऊंची चलती है ये। और ये बेहतरीन किस्म का फैमिली रिजॉर्ट है केड़ा है। बाकी के टिकट सिरे पास है, टिकट संभालना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उन्होंने ताकीद की थी कि गुवाना ना, तो मुझे लगता मैं गुवा रही है। पर जेब से पैसे निकल रहे, मैं आगे जाने लूटी। वो तेज हो गई है ये है, इसको हम रखते हैं अपने प्राइवेट जेब में। है वाली तू हर बात का गलत मतलब निकाल, प्राइवेट जेब और मैं पढ़ सा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ तो जो हंस रहा है ना मेरी कुल सब चोट की दाढ़ी, चल वायरल हो गया वीडियो बना, चोट वायला भाई निकाली। ये देखें जी, चेक कर रहे हैं आप सीन कैसा है। कुछ पता नहीं चल रहा, ये देखें जी
ये हमारी है चेयरलिफ्ट, और इतने ज़्यादा बादल आए हुए हैं और यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, बस ये जो करीब के दरख्त हैं फील हो रहे हैं। इसके बाद सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत एहसास है यहाँ पे अज़ान सुनने का। खुद ही खुलेगा मेरा ख्याल है। अच्छा जी, टॉप स्टेशन गाइड है ये। जैसे ही आप केबल कार से उतरते हैं तो थोड़ी सी वॉक करते हैं, तो आपको एक तो इस पूरे एरिया का मैप ही दिया गया जो मैंने आपको शो किया था पहले। यहाँ पे पैदल ट्रैक है, मस्जिद, रेस्टोरेंट, हाइकिंग एरिया और शॉपिंग एरिया है, और इवन के रेस्क्यू वाले भी यहाँ पे मौजूद है। अल्लाह ना करे किसी को जरूरत पड़े, लेकिन अच्छी चीज़ है यहाँ पे। थोड़ी सी हम हाइकिंग करते हैं, ट्रैक पर चलते हैं पैदल, और यहाँ पर घुड़सवारी वाले भी साढ़े पीछे बेन है, आज अभी नहीं जाना, पैदल चलते हैं, थोड़ा सा ट्रैक करते हैं और फिर चाय पीते हैं। मौसम आप देख ही रहे हैं, सर्दी का निज़ाम जो है वो मैंने आपको बता दिया था पहले, ठंड प्रोग्राम है तो फिर आपको ठंड ही दिखानी थी, भावें अपने आप लग जावे। तो चले चलते हैं। ये जो पब्लिक एरिया कैंटीन एरिया आपने देखा है, इससे आप थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ से दो ट्रैक जा रहे हैं, एक राइट और दूसरा हल्का सा लेफ्ट। तो जिस ट्रैक पे मैं खड़ा हूँ ये ठाकुरी हिल टॉप है, ये तकरीबन आधा पौना घंटा आगे आप चलते जाएं तो ये रहता है, इसका डेड एंड है, लेकिन आप जितनी आपकी मर्ज़ी है आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह स्टे के लिए उन्होंने हट्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर बैठ भी सकते हैं, और अभी बारिश भी हो रही है और देखते हैं हम कहाँ तक चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस ट्रैक पे जाता हूँ, फिर थोड़ा सा वापस आएंगे और फिर लेफ्ट साइड को देखेंगे, चाय का भी सीन है, और यहाँ पे आपने देख लिया हॉर्स राइडिंग भी है, अम्ब्रेला भी ले सकते हैं और आप जा सकते हैं आगे। चलते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बादल बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जो ठोकरी हिल टॉप है यहाँ से बेसिकली आपको कश्मीर का व्यू पॉइंट मिलता है, तो बादल इतने ज़्यादा हैं कश्मीर के जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको नज़र ही नहीं आएंगी, क्योंकि विजिबिलिटी 40-50 मीटर से आगे है ही नहीं। तो मैंने फिर 15-20 मिनट का ट्रैक किया है, थोड़ी सी साइड दरख्तों को इंजॉय किया, मौसम को इंजॉय किया है, और अब मैं टॉप पर नहीं जा रहा, मैं वापस जाके दूसरा ट्रैक चेक करता हूँ वहाँ पर क्या क्या है, मेरे साथ रहिएगा।
अरेटा का टूर हमारा ख़त्म हो गया, 5:20 रह गए हैं, 5 ये चेयर लिफ्ट ख़त्म कर देते हैं। और अभी लोग आवाज़ें भी लगाने लगे हैं कि जितने लोग गए हुए हैं वो वापस आ जाए, अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पे। बाकी मुझे पर्सनली बड़ा मज़ा आया, ये पॉइंट ऐसा है जो 12 आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ने वाली है अनकरीब, और गर्मियों में ये ज़्यादा अच्छी जगह बन जाती है, तो ये एक ठंडा मुकाम बन जाता है। इसलिए जो ग्रिपन ट्रिप की ठंड प्रोग्राम सीरीज़ है उसमें मैंने इस पॉइंट को लाजमी शामिल किया। गर्मियों में भी इवन कि आप इसको कर सकते हैं शामिल। अभी सर्दियाँ हैं और दिसंबर चल रहा है, तो इस वजह से बता रहे थे कि कुछ दिनों में यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट बर्फ़बारी का सीन भी। बड़ा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा पॉइंट था, आप अपनी फैमिलीज को ख़ास तौर पर यहाँ पर लेके आ सकते हैं। तो ग्रिपन ट्रिप का एपिसोड मेरा पत्रियाटा का ठंड प्रोग्राम सीरीज़ ख़त्म हो गया। आप मुझे बताइएगा आपको ये सारा सीन कैसा लगा, आपको देख के ठंड लगी कि नहीं लगी। वैसे मुझे बहुत लगी है, तो उस इलाके में थोड़ी सी आपको भी लग जानी चाहिए देख के। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप फैमिली ट्रिप करना चाहते हैं मालम जब्बा का, तो मुकम्मल मालूमात के लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर सैर करना चाहते हैं दो बरआज़मों के दरमियान, तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिपन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।